अपनी दो छोटी बच्चों को छोड़ जाना सभी के लिए बहुत हृदय को हृदय विदारक है, बहुत ही कष्ट का है। मैं तो जितनी बार सोचती हूँ उतनी बार मुझे दुख होता है। भगवान इतना दुख है किसी को ना दे कि बीमारी ऐसी थी जहाँ हम बेबस थे, लाचार थे, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। हुआ था कि हम 10-10 लाख रुपए की जो राशि है इन बच्चों को किसी तरह से अगर मिल जाती है तो हम कुछ हद तक ये नहीं है कि इस राशि पर इनका पूरा भविष्य निर्भर करता है। हाँ, एक सुरक्षा की भावना जरूर आती है। ये बात पैसे की नहीं है, ये बात यह कि बढ़ चढ़ करके हमें अपने साथी का जो परिवार है उसकी मदद करनी है। पूरा शिक्षा परिवार मेरे साथ है, ये बहुत ही अच्छा था और महसूस किया कि सब लोग मेरे साथ हैं। वैश्विक महामारी के दौरान अपनी दो फूल सी छोटी छोटी नासमझ बेटियों को छोड़कर इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली सोहना के गांव खेड़ला निवासी शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापक योगेश व उनकी पत्नी के बाद अब एक 7 साल की बेटी परांजल व एक 3.5 साल की बेटी आराध्य, जिन्हें ठीक से बोलना भी नहीं आता था, कि उनके ऊपर से अचानक माँ और बाप दोनों का साथ छूट गया। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी कैप्टन इंदु गोकर ने जिले में तैनात शिक्षकों से दोनों बेटियों के लिए कुछ सहायता राशि देने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद शिक्षकों ने पीड़ित बेटियों के नाम अभी 5-5 लाख रुपए की भर्ती कराई। वहीं आगे भी हर संभव सहायता देने के लिए पीड़ित बेटियों का साहस बढ़ाया। जिला शिक्षा अधिकारी की सराहनीय पहल की चारों तरफ वाहवाही हो रही है। वहीं जिला शिक्षा विभाग अधिकारी जिस समय जिला भर के शिक्षकों को संबोधित कर रही थी उस समय भावुक हो गए, जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कैप्टन इंदु बोकन को कितनी पीड़ा हो रही है। करने के लिए जो हमारे साथी हमसे इस परिवार से जिससे कोरोना काल में बिछड़ गए, योगेश जी और उनकी धर्म पत्नी का इस कोरोना काल में जो है अपने दो छोटी बच्चों को छोड़ जाना सभी के लिए बहुत हृदय को हृदय विदारक है, बहुत ही कष्ट का है। मैं तो जितनी बार सोचती हूँ उतनी बार मुझे दुख होता है। भगवान इतना दुख किसी को ना दे कि दो बच्चियाँ दोनों माँ बाप के जो प्यार होता है, जो माँ बाप का आंचल होता है, उसका जो उसका सुख होता है, जो देखने पर भी सोच के देखेंगे आज तक हमें कहीं पर कोई भी दुख तकलीफ होती है, हम तुरंत अपने माँ की तरफ अपने पिता की तरफ देखते हैं और उनका जो एक आशीर्वाद होता है उनका एक प्रेजेंस ही हमारे सुखों और तकलीफों को, उनका एक प्यार का शब्द ही हमारे दुखों को और तकलीफों को दूर कर देता है। तो इस तरह से जब मालूम हुआ कि दोनों ही चले गए तो मुझे लगा कि कुछ दिन मैंने इंतजार किया, क्योंकि मैं मानती हूँ इस तरह के काम जो हो यूनियंस को करने चाहिए। हम लोगों का ऐसे रोल बाद में आता है, हमारा रोल अपने तक के लिए होता है। जब मुझे लगा कि कहीं से कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब सब अपने अपने लिए नहीं था, करना नहीं चाह रहे थे, हर किसी के परिवार में इस तरह का हादसा हो चुका था, अपने घर में नहीं तो रिश्तेदारी में, कि सभी बहुत दुखी अवस्था में उस समय चल रहे थे और बहुत परेशान चल रहे थे, किसके साथ क्या घटना घट रही है ये मालूम भी नहीं होता था। और तो किसी को फोन करने के वक्त भी आदमी 10 बार सोचता था कि हम जो बात कर पूछ रहे हैं पता नहीं क्या आगे सुनने को मिलना है, क्योंकि कई दिन तक हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है जो हमारे परिवार के शिक्षक परिवार के हमारे, उसमें सिर्फ यही मैसेजेस आ रहे थे ये हो गया ये हो गया ये हो गया। तो मतलब सभी जो घटनाएं थी वो बहुत दुखद रही, स्पेशली मई के महीने में, और वो भी मई के जो लास्ट के 15 दिन थे वो बहुत ही सभी के लिए दुखदाई रहे। बहुत लोग हमें हमारे प्यारे छोड़ के चले गए, तो मुझे लगा कि जो छोड़ के चले गए वो तो चले गए, पर मेरे दिमाग में सदा ये रहा कि जैसे हम अपने बच्चों को छोड़ के कभी छोटे से जो अपने डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ट्रिप पे भी जाते हैं तो हम पीछे से क्या करते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं बच्चे तुम ठीक हो, खाना खा लिया, दरवाज़ा ढंग से बंद कर लिए, मतलब हमें उनकी कितनी चिंता होती है। तो बच्चे हमें क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं आप अपना काम ठीक से करो मम्मी, हम ठीक हैं। तो वही मुझे लगा कि हाँ, तो वो सदा के लिए छोड़ के चले गए तो ये तो नहीं है कि उनकी आत्मा को अपने बच्चों की चिंता नहीं हो गई, या जो इंसान अपने प्यार से परिवार में रह रहा था वो सदा एकदम से सबको छोड़ के जब चल देते हैं तो
कितनी उनको चिंताएं होती होंगी अपने परिवार को लेके कि मेरी बच्चियों का भविष्य क्या रहेगा, कैसे होगा, क्या होगा। और वो जबकि वो शरीर को देह छोड़ने के बाद कहते हैं रिश्ते खत्म हो जाते हैं, पर आत्मा कहते हैं कि पिछले जन्म में भी अगर हम किसी से जुड़े थे तो अगले जन्म में भी उससे उसी संस्कार के साथ हम मिलते हैं। तो इसलिए मैं तो मानती हूँ कि रिश्ते भी शक से खत्म हो जाते हैं, भावनाएं खत्म नहीं होती हैं। जाने वाले के जो भावनाएं हैं वो जुड़ी हुई होती हैं अपने परिवार के साथ, उसके उसके वेलफेयर को लेकर के, उसके उसके साथ जुड़ी हुई हर छोटी और बड़ी समस्या को लेकर के वो जुड़े हुए होते हैं। तो मुझे लगा कि ये मेरा बहुत हमारा दायित्व बन जाता है कि इस तरह से, क्योंकि इन बच्चों को जो छोटे बच्चे जो जहाँ पर इन बच्चों को जो बेनिफिट सरकार की तरफ से भी मिलते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं एज कम्पेयर टू जहाँ पे सिंगल सपोज टीचर की डेथ और स्पाउस लिविंग है, उस केस में बहुत सारे सरकार की तरफ से प्रोविजन है, डेली के लिए जॉब का भी है, MFA भी है, काफ़ी सारे प्रोविजन हैं। इन बच्चों के लिए प्रोविजन बहुत लिमिटेड टाइम के लिए हैं, कम प्रोविजन हैं। तो ऐसे लगा एक राशि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो मैंने एक भावना ग्रुप में व्यक्त की थी कि अगर हम इन बच्चों के लिए कुछ कर पाए तो उस मेरी भावनाओं को आपने सम्मान देते हुए जो मैंने लक्ष्य मेरे मन में आया था, जो विचार मुझे परमात्मा की तरफ से प्राप्त हुआ था कि हम 10-10 लाख रुपए की जो राशि है इन बच्चों को किसी तरह से अगर मिल जाती है तो हम कुछ हद तक ये नहीं है कि इस राशि पर इनका पूरा भविष्य निर्भर करता है, हाँ एक सुरक्षा की भावना जरूर आती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पैसे के साथ में ये केवल पैसा नहीं है, इस पैसे के साथ में ढेर सारी ब्लेसिंग्स जुड़ी हुई हैं। जैसे हम बच्चों को हम अपने परिवार में भी जाते हैं तो उसको हम लड़कियां अपने घर जाती हैं तो हमारे माता पिता हमें शगुन देते हैं, वो शगुन हमारा परिवार चलाने के लिए नहीं होता, उसके अंदर एक ढेर सारा आशीर्वाद होता है माँ बाप का कि वो जो पैसा है वो हमें प्रफुल्लित करता है। तो इस विचार के साथ में कि जो हम जो भी हमसे जो श्रद्धा से हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाए वो आप लोगों ने उसको उस मुकाम तक पहुँचाया, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो जिस तरह की इच्छा मेरे अंदर से आई थी कि हम कम से कम इतना इतना ज़रूर कर पाएँ उसको आपने वहाँ तक पहुँचाया। आप सभी साथी, मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि सभी का इसमें पूर्ण सहयोग रहा। आप जितने यहाँ उपस्थित और जहाँ चाहे यहाँ उपस्थित नहीं भी हैं जिन्होंने भी इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग किया, मैं उन सभी की बहुत धन्यवादी हूँ, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि हम जब भी हम चाहे किसी के सुख में जाए ना जाए पर दुख में हम उनके साथ खड़े हों ताकि उनको भी सफलता महसूस हो, उनको भी महसूस हो कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ इतना बड़ा शिक्षक परिवार जो है वो जुड़ा हुआ है। नीचे से लेकर के ऊपर अधिकारी तक आपको सुनकर के बहुत आश्चर्य भी होगा जब हम ये विचार प्रस्तुत हुआ कि भी इस तरह से हमें कुछ करना चाहिए। तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज भी हैं ना, कॉन्ट्रैक्चुअल जिनकी तनख्वाह 15,000, 20,000, 25,000 है, वो लोग मेरे पास है कि मैडम 5100 रुपये पहले हमारे मेरी तरफ से। मैंने कहा बच्चे आप हमारा बहुत बड़ा परिवार है, आपको लिमिट करते कहते नहीं, हमें तो इतना देना ही है। मतलब कितना अंदर से भावना, ये बात पैसे की नहीं है, ये बात यह है कि बढ़ चढ़ करके हमें अपने साथी का जो परिवार है उसकी मदद करनी है। उस मदद के लिए आप सब लोग बहुत आगे आए, आपने बहुत अच्छे से जो है अपने धर्म को अपने पद को निभाया, मैं आप सबकी बहुत बहुत धन्यवाद दी हूँ। और यहाँ से मैं परमपिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना भी करती हूँ कि जो हमारे साथी हमसे बिछड़ गए हैं उनको सद्गति प्रदान करें, उनकी आत्मा को शांति दें, उनको ये निश्चिंतता दे कि हम लोग पीछे से उनके परिवार की देखभाल करने के लिए हैं यहाँ पर, और वो इसके बारे में चिंता ना करते हुए अपनी आगे की यात्रा को ठीक से अपना पूर्ण करें, ऐसा मैं उनके लिए प्रार्थना भी करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी ने वैश्विक महामारी कोरोना से ग्रस्त शिक्षक मनोज की पत्नी व उनके बेटे को अपने गले लगाया व 1,51,100 रुपए सहायता राशि के रूप में भी दी, क्योंकि मृतक अध्यापक मनोज की पत्नी भी शिक्षा विभाग में टीचर। आप थोड़ा सा हिम्मत को अपने को बढ़ाएंगी और आपको अब माता और पिता दोनों का ही रोल अदा करना है, तो रोने की बजाय एक निर्बल नारी की बजाय एक सशक्त नारी बन के आप दिखाएंगी, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। दुख होता है आपसे जरूर आते हैं, बट साथ में निर्बलता नहीं आपसे जिंदगी में कभी भी आए, ऐसा मैं चाहती हूँ कि आप बहुत ही सशक्त बने और जो माँ और बाप दोनों का प्यार है वो बच्चों को आप दें, हम हमेशा आपके साथ खड़े हुए हैं। और डिपार्टमेंट की तरफ
तरफ से जो कुछ भी हम आपके लिए कर सकते हैं और डिपार्टमेंट के अलावा भी हम जो कुछ भी आपके साथ कर आपके लिए, हम हमेशा अपने पूरे परिवार समेत आपके साथ खड़े हैं। अपने को अकेला ना समझते हुए आप हमें अपना परिवार का हिस्सा मानते हुए हम ये माने कि बहुत बड़ा एक्सटेंडेड परिवार है आपका और हम सुख में दुख में हमेशा आपके साथ खड़े हुए। तो आप एक शक्तिशाली रूप में उभर कर, कहते ना कि जब दुख आता है तो आदमी और निखर के आता है, तो आपने वो उस तरह से निखर के और बहुत बेहतर बन के आना है और बच्चे को किसी भी तरह की कमी महसूस नहीं होने देना है। आपको एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करना है, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ कि आप बहुत कर भी पाएंगे। मॉडल सांस्कृतिक बाल स्कूल में पहुंची कोरोना काल में अपने प्राण गंवाने वाले अध्यापक मनोज की पत्नी, जो कि खुद भी अध्यापिका हैं, उन्होंने कहा कि जो इंसान चला जाता है उसकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती, लेकिन आज मुझे गर्व है कि तमाम शिक्षक मेरे परिवार का हिस्सा बनकर मेरे साथ खड़े हैं। शिक्षिका सोनिया भारद्वाज ने जिला शिक्षा अधिकारी कैप्टन इंदु बोकन का तहे दिल से स्वागत किया। कोरोना महामारी की वजह से जो परिवार उजड़ गए, जिन परिवारों ने किसी को खो दिया, उनके लिए एक शांति सभा का आयोजन किया गया। उनमें एक मैं भी हूँ, मेरे भी परिवार में एक सदस्य का नुकसान हुआ है। इसमें कहने को शब्द नहीं है, लेकिन बीमारी ऐसी थी जहाँ हम बेबस थे, लाचार थे, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे, बीमारी का कोई इलाज नहीं था। ऐसे में डीओ मैडम ने एक सभा का आयोजन किया जहाँ ये उन्हें ये एहसास दिलाया कि पूरा शिक्षा परिवार मेरे साथ है। ये बहुत ही अच्छा था और महसूस किया कि सब लोग मेरे साथ हैं। जो गति हैं वो गए हैं, लेकिन जो साथ हैं वो साथ खड़े रहने की अनुभूति से ही लगता है कि आगे की जिंदगी की राह आसान हो जाएगी। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।